सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेस के साथी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर हैं। अभी हम लोग नॉमिनेशन करा के आए हैं समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव यहाँ की प्रत्याशी, उसके लिए फॉर्म भर करके हम लोग आए हैं। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यही मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट को लेकर जो चर्चाएं इस वक्त तक हो रही थी, अब कहीं ना कहीं उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ गया और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज बीजेपी ने तीनों सीटों पर यहाँ उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। एक तरफ रामपुर की सीट पर तो दूसरी तरफ मैनपुरी सीट पर यहाँ रघुराज शाक्य का नाम घोषित कर दिया है। देखिए, यहाँ पर अभी तक अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव मैनपुरी से बीजेपी की तरफ से खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अपर्णा को साइड कर यहाँ रघुराज शाक्य के चेहरे पर दाव खेल दिया है भाजपा ने। अगर हम बात करें यहाँ समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को 3 से 4 दिन पहले उतार दिया गया था। यहाँ देखिए, आपको बता दें कि डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी और यहाँ मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू हैं, और काफ़ी टाइम पहले से देखा जाता था कि डिंपल यादव जो है वो राजनीति से ताल्लुक तो रखती थी पर इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा अपर्णा यादव है। लेकिन अपर्णा यादव ने आखिरकार यहाँ पर मैनपुरी से उतरने के लिए मना क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अपने जेठानी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती थी अपर्णा यादव, ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार रघुराज शाक्य के चेहरे पर दाव लगाने के पीछे भाजपा का क्या कारण रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि रघुराज शाक्य को क्यों आगे किया गया। इसके आगे आप देख सकते हैं ममते शाक्य का भी नाम था, इसके साथ प्रदीप का भी नाम था, तमाम बड़े बड़े चेहरे इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। वहीं ये कयास लगाया जा रहा था और ये कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा था कि अपर्णा यादव का नाम सामने आएगा, अपर्णा और डिंपल में लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब अपर्णा ने एक बड़े मंत्री के साथ बैठक की तो कहीं ना कहीं उस बैठक में उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि परिवार की लड़ाई परिवार से नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं डिंपल यादव को मौका मिलेगा जीतने का और डिंपल यादव जीत जाएंगी। तो आप ये समझिए, यहाँ पर रघुराज शाक्य का आपने नाम लिया, एक नया चेहरा है राजनीति के अंदर। और रघुराज शाक्य भले ही बीजेपी की तरफ से एक नए चेहरे के रूप में उभरे हुए नेता हों मैनपुरी सीट से लेकर, लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ पर बीजेपी ने रघुराज शाक्य को क्यों उतारा। आपको समझना होगा कि MY समीकरण की हम बात करें तो मुस्लिम और यादव वोट लगभग 6.5 लाख लगभग वोट मैनपुरी सीट पर है। और वहीं अगर ब्राह्मण शाक्य की बात करें और इसके साथ हम लोग तो की बात करें, वैश्यों की बात करें, तो पूरा टोटल जो आंकड़ा आता है वो लगभग आता है 5.5 लाख के करीब। तो आप ये सोचिए कि 5.5 लाख और 6.5 लाख का जो मुकाबला हो रहा है, और कहीं ना कहीं MY समीकरण में से मुस्लिम वोट और यादव वोट का बीजेपी खींचने की कोशिश करेगी। तो आपको ये समझना होगा कि इस शाक्य को इसलिए उतारा है क्योंकि शाक्य वोट का भी दबदबा मैनपुरी सीट पर ज़्यादा है और रघुराज शाक्य पहले से ही इस सीट के लिए लाइन में लगे हुए थे और उन्होंने मैनपुरी में काम भी कुछ ऐसे किए हैं जिससे बीजेपी ने उनको आगे कर दिया। देखिए, यहाँ पर रीति का कहना है कि यहाँ पर शाक्य जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि शाक्य के साथ साथ यादव वोट बैंक भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आता है और इसीलिए वहाँ पर देखा जाता था कि हमेशा से नेताजी का दबदबा ज़्यादा था, यानी कि समाजवादी पार्टी यादव परिवार का दबदबा वहाँ ज़्यादा नज़र आता था और उम्मीद इसीलिए ज़्यादा लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव को भाजपा उतारेगी। लेकिन अपर्णा यादव को ना उतार कर यहाँ पर एक पूर्ण विराम लगता नज़र आ गया। और देखिए, यहाँ पर बीजेपी और सपा की तरफ से भी उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। क्या अब असली लड़ाई शुरू होगी यहाँ मैनपुरी की? मैनपुरी पर किसकी जीत आप देखते हैं? ऋतिक, आपको क्या लगता है कि जैसे कि इतने सालों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिलता था, क्या इस बार 2022 के चुनावों में भी समाजवादी पार्टी का आना तय माना जा रहा है?
देखिए 1996 से पहले अगर 1969 की बात करें, 1996 के बाद अगर 7 की बात करें, 12 की बात करें, 17 की बात करें और 22 चल रहा है लगातार। अगर इस आंकड़े को हम देखें, इस कतार को हम देखें, तो इस पर हमेशा सपा पार्टी का दबदबा रहा है। मेनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के जाने के पहले और जाने के बाद आप ये देखिए कि अब डिम्पल यादव सामने आई हैं, तो वही इतिहास कायम रहेगा जो इतिहास मुलायम सिंह यादव ने कायम रखा था। क्योंकि आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि रामपुर हुआ या मेनपुरी हुआ, ये सपा का गढ़ है। यहाँ पर सपा ने ऐसे काम किए हैं, मेनपुरी को चमकाया है मुलायम सिंह यादव ने, वहाँ पर मेनपुरी के भविष्य के लिए काम किया है। मेनपुरी की जनता पर मुंह पे कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का नाम रहता है। और आप ये सोचिए, डिम्पल यादव एक बड़ा चेहरा है, भले ही डिम्पल यादव अभी 5-6 साल से कहीं ना कहीं राजनीति से गायब थी, उन्होंने बड़ी रैलियां संबोधित नहीं की, लेकिन आपको ये समझना होगा कि डिम्पल यादव पर जो दाव खेला गया है वो कहीं ना कहीं सही खेला गया है। रघुराज शाक कहीं टक्कर में नहीं है और डिम्पल यादव वही छवि को पूरा करेंगे जो मुलायम सिंह यादव इतिहास रच को गए थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ऋतिक का कहना है कि डिम्पल यादव वही जो है सारे सपने पूरे करती नजर आएंगी जो नेताजी ने अभी तक सोचे थे और किए थे। लेकिन यहाँ पर वाकई में ये सवाल उठते हैं कुछ कि क्या वाकई डिम्पल यादव वही मतलब कि समाजवादी पार्टी का जो दबदबा रहा है हमेशा से मैनपुरी सीट पर, क्या डिम्पल यादव इस सपने को आगे लेकर जाएंगी या नहीं। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी ने अगर डिम्पल यादव के चेहरे पर दाव खेला है तो जरूर कुछ ना कुछ सोच कर ही खेला होगा यहाँ। और यहाँ पर ये देखा जाए, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव को उतारा जाएगा, शिवपाल यादव हो सकते हैं, यहाँ पर तेज प्रताप यादव या धर्मेंद्र यादव में से भी कोई हो सकता है, लेकिन किसी को टिकट ना देकर यहाँ कल नामांकन पत्र भी भरती आए डिम्पल यादव। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, अखिलेश यादव ने आज एक बात का खुलासा किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि डिम्पल यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को नामांकन पत्र भरने से पहले फोन किया था, लेकिन फिर भी नामांकन पत्र वाले कार्यक्रम में शामिल हुए यहाँ शिवपाल यादव। तो ऋतिक, इसको आप क्या देखते हैं, क्या यहाँ पर शिवपाल यादव नाराज हो गए कि उनको यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया? देखिए शिवपाल चाचा की अगर हम बात करें, शिवपाल चाचा खुद लाइन में लगे हुए थे कि उनको कहीं ना कहीं सपा संरक्षक जो अखिलेश यादव है वो टिकट देंगे, लेकिन जो अभी अटकलें सामने नज़र आ रही हैं आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर शिवपाल चाचा साथ नज़र नहीं आते हैं तो कुछ सीटों का घाटा यहाँ पर हो सकता है, MY समीकरण में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि देखिए मेदांत अस्पताल से लेकर शोक कुल तक वहाँ आपने देखा कि शिवपाल चाचा नज़र आए। अब अगर टिकट डिम्पल को मिल गया है तो मेरे हिसाब से आने वाला समय जब रैलियाँ वहाँ पर होंगी, इसके साथ अभी चुनाव नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि शिवपाल चाचा नजर आएंगे और रैलियों को संबोधित भी करेंगे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर शिवपाल चाचा कहीं ना कहीं नजर आएंगे और रैलियों को संबोधित भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मैनपुरी से प्रसपा पार्टी की तरफ से अगर कोई उतरता नजर आ रहा है तो वो यहाँ शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी देखने को मिल सकते हैं। आदित्य यादव के चेहरे पर शिवपाल यादव दाव लगा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि मैनपुरी सीट पर प्रसपा, सपा और बीजेपी तीनों पार्टियों की तिगड़म देखने को मिलेगी। आखिरकार यहाँ नतीजे आने पर पता चलेगा कि यहाँ भाजपा सत्ता में बैठेगी या सपा या फिर प्रसपा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN I News के साथ। धन्यवाद।